अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा संडे का व्लॉग। तो सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है, तो मैंने उनका पराठा बनाना था। तो बस भी थोड़ा सा जो है ना पेड़ा बच गया था आटे का, तो फिर मैंने बनाया अपने लिए मसाले वाला पराठा। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल भी चल रहा है और ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। मैंने वैसे पहले काफ़ी खाया है, लेकिन ये मसाले वाला होता है इसलिए ज़्यादा मैं मसाले नहीं खाती नाश्ते में। तो ये मसाले जो है ना एकदम गले में लगते हैं और फिर खांसी शुरू हो जाती है। तो क्या है, छोटा सा पेड़ा बचा था और वैसे मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं था सुबह, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसे बना ही लेती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी से इनका पराठा बनाया, इसको बनाने रखा और साथ ही फिर मैं अंडा बना रही थी और यहाँ पे मैं अपना पराठा भी बट रही थी। फिर मैं उनका पराठा सेकने चली गई थी और जो है ना दूध निकाला उन्होंने, मैंने कहा दूध कम है इसमें, तो उन्होंने थोड़ा और डाल दिया। तो बस मैं वहाँ पे जो है ना पराठा बना रही थी, फिर मैंने साथ ही चाय भी बनाने रख दी थी। फिर मैं जो अपना पराठा बट रही थी, यहाँ पे मैं जो है ना बिल्कुल पराठा बिल्कुल पतला सा बटा हुआ खाती हूँ। जो है ना क्रिस्पी सा पराठा पसंद है मुझे, जो है ना मोटा मोटा सा पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस ये कि हफ़्ते में 2 दिन हमारे बनते हैं पराठे, तो मैं जो है ना हफ़्ते में 1 दिन ही खाती हूँ, या कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड होता है जब ठंड होती है ना, तो फिर देसी घी वाला पराठा तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर यहाँ पे इनका पराठा रेडी था। फिर यहाँ पे मैं जगह बना रही थी, यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है रखने की। तो साथ ही मेरा वहाँ पर अपना मेरा पराठा बन रहा था और यहाँ पर मैंने जगह बनाई, सारा सामान रखा। कल जो मैंने केकर्स बनाए थे वो नाश्ते में हमने खाने थे, मतलब मैंने ही खाने थे और सारा ने खाने थे, इसके बाबा ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने चाय बन गई थी, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर उन्होंने बोला थोड़ी सी सारा के कप में डाल दो। तो बस फिर जो है ये सारा सामान जो है इसके थोड़े बाबा ले गए और थोड़ा सामान जो सारा के साथ भिजवा दिया, बाकी जो वो नहीं ले जा सकती थी वो मैं ले गई। फिर ये शाम का वक्त मैं भिंडी काट रही थी, इसमें इतनी ज़्यादा वो थी सुंडियाँ, इसको सुंडी कहते हैं। इसमें से जैसे मैं जितनी भी काटूँ ना उसमें निकल रही थी, तकरीबन 5-6 तो निकल ही आई थी। यार मैंने इसको काट रहा हूँ, सुबह से मेरा किचन इतना गंदा हो रहा था क्योंकि मैंने साफ़ किया ही नहीं था। बस फिर मैंने उसको साफ़ किया। भिंडियाँ जब मैं वॉश करना भूल गई थी, पहले मैंने उसको वॉश करके फिर उसको झाड़े में रखा। वैसे तो खैर मैं काटने से पहले ही वॉश करती हूँ, लेकिन जो है ना मैं उस टाइम भूल गई थी, जल्दी जल्दी मैं बैठ गई थी काटने में, बहुत लेट हो गया था। बस क्या मैंने उसको काटने के बाद वॉश करके इसको अच्छे से छाना। तो उसके बाद जो है ना मैंने 2 इसके पोर्शन बनाए थे, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं इसको अच्छे से पहले फ्राई करना था। मैं जो तकरीबन भिंडी को ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैं इसको फ्राई ही करती हूँ। जैसे फ्राई करने में जब तक इसका लूज खत्म नहीं हो जाता ना तब तक इसको फ्राई करती हूँ। उसके बाद जो है ना इसको निकाल लेती हूँ, या तो फिर फ्राई करने के बाद डायरेक्ट इसमें मसाले और डाल के जो है सिंपली इसको मैं बना लेती हूँ। थोड़ा मसाला भूनने के बाद इसमें ऐड करती हूँ। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा प्याज़ों को सौटे किया, इसमें हरी मिर्चें डाल दी, लहसुन तक भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसके बाबा को जो बिल्कुल है ना फ्राई जो होते हैं ना ब्राउन प्याज वो पसंद नहीं है, जो मुझसे थोड़े ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो जाते हैं। फिर खैर मैंने जो है ना इसमें मसाला डाला, शान का जो है सालन का मसाला है बहुत अच्छा है, मैंने तकरीबन 4/4 पैकेट डाला। और मैंने यहाँ पे ना तकरीबन 1 से 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें ये अचार गोश्त का मसाला डाला था और 1/2 चिकन क्यूब डाली थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं डिफरेंट करके अपनी ना भिंडी को या कोई भी सब्ज़ी उसको बनाती हूँ। तो बस ये मेरा मसाला तकरीबन भुन गया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, मैंने इसको थोड़ा सॉटे किया टमाटर को, इसको अच्छे से भुनने के बाद जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दी थी अपनी भिंडियाँ जो है काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यही से कि मैंने तुम्हें सिखा दिया, आखिर मतलब सारा क्रेडिट खुद ले लेना है। खैर फिर मैंने यहाँ पे जो भिंडियाँ है ना वो मैंने इसमें डाल के अच्छे इसको मिक्स करा, फिर इसको हल्की आंच पे रख के मैंने दम दे दिया था। तो बस फिर मेरी भिंडियाँ रेडी थी। फिर मुझे जो है ना बनाने थे अपने शामी कबाब। तो किचन जो है मैंने थोड़ा और साफ़ कर लिया, फिर जो है ना शामी कबाब में रखे थे, उन्होंने बोला कि एक शामी कबाब भी फ्राई कर लो। तो भाई वो जो है ना सब्ज़ी को अकेला कभी भी नहीं खाते तकरीबन, उनको बाज़ार का चपली कबाब चाहिए होता है या घर का शामी कबाब या कुछ ना कुछ साथ में चाहिए ही होता है। तो खैर मैंने अपने यहाँ पर कबाब फ्राई किया। मुझे जो है ना अंडे कोटिंग वाले कबाब पसंद है, वो अंडे कोटिंग वाले कबाब बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं क्या अकेले के लिए फिर एक अंडा तोड़ूं, मैंने भी फिर अपने लिए ऐसे ही फ्राई कर लिया। तो बस फिर मैं कबाब फ्राई हो गए थे, सब्ज़ी को मैंने वापस ही गर्म किया, इसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो हमने वो ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर मुझे जो है ना खाना खाने के बाद मुझे काफ़ी सारे काम थे, तो बस खाने के बाद जो है मुझे काफ़ी काम थे। और साथ ही मैंने बेक अवे से अपना सामान मंगाया था, तो मैंने इसकी वीडियो भी अलग से बनाई है। मुझे किचन बिल्कुल साफ़ करना था, मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था सुबह, क्योंकि सुबह मेरी क्लास है तो उसके लिए मैंने तैयारी करनी थी। तो मैंने चीनी पीस के रखनी थी, तो वो मैंने सबसे पहले पीसी और जितना भी मेरा यूज़ का सामान था ना सुबह का वो मैंने निकाल के रखा। अब मेरी जो रूटीन होती है डेली की, मैं जो है ना सुबह तकरीबन 12 या 1 बजे सो के उठती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 11 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जो मेरी क्लास है वो 10 से 12 की है, तो मुझे जो है ना सुबह 9 बजे उठना पड़ेगा और जो सुबह ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकती, मैं सारा शोर ही होती है। तो मैंने अपनी चीनी पीस के रखी और जितना भी मेरा यूज़ का सामान था ना, जो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था कि हमने ये चीज़ बनानी है, तो मैंने थोड़ा बहुत निकाल के रख लिए थे अपना टूल्स वगैरह। तो बाकी मैंने कहा चलो सुबह ही मैं देखूँगी। उन्होंने वैसे ही बोला था कि आपने ना साथ में मेरे बनाना है जो मैं आपको सिखाती रहूँगी, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो है ना नेट का कनेक्शन ठीक नहीं है। जो मेरा छोटा मोबाइल था उससे ये होता था मैं उसको एक जगह रख देती थी, उससे मेरे नेट के सिग्नल सही आ जाते थे, लेकिन अभी जो है ना हमारे घर में सिग्नल नहीं आते तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने ये सोचा कि पहले मैं वॉच करूँगी उसके बाद मैं अपना केक बनाऊँगी, लेकिन कल बनाना तो है। तो मैंने कहा चलो मैं सामान तो निकाल के रखूँ, सुबह उठने के बाद सोचेंगे कि पहले वॉच करना है या साथ साथ बनाना भी है। तो खैर मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान निकाला, मैं सोची दिल वाले मोल्ड में बनाऊँ। निकाल कर तो मैंने वो ही रखा है, लेकिन जो है ना फिर मैंने ये सोचा अभी कि मैं ना दिल वाला मोल्ड यूज़ ना करूँ, मैं सिर्फ गोल वाला ही यूज़ करूँ ताकि मेरी फिनिशिंग जो है वो और अच्छी हो जाए। तो बस सारा सामान ही मैंने निकाला, जो मेरे यूज़ का नहीं था ना वो मैंने रख दिया, और आगे पीछे जो मैंने कर दिया जो खुला हुआ था वो मैंने पहले यूज़ करना है। पाउडर और बेकिंग पाउडर मैंने मंगवाया था, मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। मैं सामान सेट कर रही थी किचन, मैंने पूरा चेयर साफ़ करा, सेट करा, सामान अपने निकाल के कोने में करा, जो थे मैंने सब निकाल के साइड कर लिए। तो बस भी तकरीबन मेरा सारा सामान यहाँ निकल गया था, फिर मैंने सबको निकाल के रखा ताकि सुबह ज़्यादा शोर शराबा ना हो और मैं इजीली अपना बना लूँ। बस ये साथ ही मेरा आज का व्लॉग था। इतना ही अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।